नमस्कार, मैं दीपिका द्विवेदी, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से असुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोल हिंदुओं को धमकी देते हुए आए नजर। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं आपको। आपको बता दें कि गुरुग्राम में 2 अगस्त को हुई इस घटना पर बयान देते हुए ओवैसी ने उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने कथित तौर पर जबरदस्ती एक मुस्लिम युवक की दाढ़ी कटवा दी थी। आपको बता दें, हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले ओवैसी ने कहा, जिन्होंने ये सब किया है मैं उनसे उनके पिता से ये कहना चाहता हूँ कि यदि तुम हमारे गले भी काट दोगे तब भी हम मुस्लिम ही रहेंगे। हाँ, हम तुम्हें जरूर मुस्लिम बना देंगे और तुम्हें ही दाढ़ी रखने पर मजबूर कर देंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने ऐसे बयान दिए हो। मुजफ्फरपुर होम शेल्टर रेप केस में विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने लोकसभा में सवाल उठाया, कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि 14 संस्थान ने कोई क्यों जवाब नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन बच्ची की सुरक्षा को लेकर गंभीर क्यों नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सांसद जय प्रकाश नारायण ने मामले में राज्य सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लड़कियों के साथ खिलौने जैसा व्यवहार हुआ और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। दलितों के खिलाफ अत्याचार रोकने से जुड़े कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने से जुड़ा संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत आज लोकसभा में SSC/ST संशोधन बिल पेश करेंगे और बीजेपी ने इसके समर्थन के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। कांग्रेस समेत विभिन्न पक्षी पार्टियां इस बिल के समर्थन में हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यह संशोधन बिल लोकसभा में आसानी से। क्या है अनुच्छेद 35A और इसको लेकर जम्मू कश्मीर में क्यों मचा है हंगामा, चलिए आपको बताते हैं 35A अनुच्छेद का पूरा मामला। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 35A को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की याचिका पर सुनवाई होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मांग की है कि इस मामले में भी उसे ही पक्ष बनाया जाए। अर्जी में ये बात कहा है कि 35A का जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ है उसे ना बदला जाए। इसी मामले में खुफिया विभाग ने आगाह किया कि सोमवार को अगर सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर से जुड़ी संविधान के अनुच्छेद 35A कोई विपरीत फैसला देता है तो राज्य की पुलिस में ही विद्रोह हो सकता है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली। आपको बता दें कि इस अनुच्छेद की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए इस पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। वहीं जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों का बंद है, ये बंद रविवार और सोमवार यानी आज रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों को राज्य में कोई अचल संपत्ति हासिल करने से रोकने वाले संवैधानिक प्रावधान को बचाने का संकल्प लिया है। व्यावसायिक संगठनों ने अनुच्छेद 35A के समर्थन में रविवार को लाल चौक में घंटा घर पर धरना दिया और विरोध मार्च निकाला। पहले टेस्ट मैच की हार के बाद नाराज हुआ एक महान क्रिकेटर, कहा कि टीम इंडिया ने खुद को धोखा दिया है। चलिए बताते आपको कि कौन है वो महान क्रिकेटर जो टीम इंडिया के हारने के बाद जताई नाराजगी। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि बर्मिंघम टेस्ट से पहले भारतीय टीम द्वारा अभ्यास को गंभीरता से ना लेना उसकी हार की मुख्य वजह बनी और नतीजा ये हुआ कि घूमती हुई गेंदों के सामने भारतीय बल्लेबाजों की खराब तकनीक उभर कर सामने आ गई। गावस्कर इस बात से खुश नहीं है कि टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम केवल 8 दिन की क्रिकेट, इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 और आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 ही खेल सकी, जो कि तैयारियों के लिहाज से बेहद कम था। अभ्यास का हवाला देते हुए गावस्कर ने कहा कि कोई तैयारी नहीं थी, मैं समझ सकता हूं कि आपको सीरीज के बाद आराम की जरूरत होती है लेकिन इसे 5 दिनों तक नहीं खींचा जा सकता। मैचों के दौरान 3 दिनों का ब्रेक हो सकता है लेकिन 5 दिनों का नहीं। गावस्कर ने आगे कहा कि टीम इंडिया ने खुद को धोखा दिया कि वे 1 महीने से इंग्लैंड में हैं। उन्होंने सफेद गेंद से क्रिकेट खेली जहां बल्ले की गति लाल गेंद के अपेक्षा में अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह की तैयारी नहीं हो पाई। विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय और बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर की फिल्म से आगे निकली इरफान खान की फिल्म कारवा, तो चलिए बताते हैं आपको इरफान खान की फिल्म ने कितना किया है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन। इस बार बॉक्स ऑफिस पर 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की फिल्म फन्ने खां को इरफान खान की फिल्म कारवा और ऋषि कपूर तापसी पन्नू की मुल्क, तीनों ही फिल्मों के कलेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। इरफान खान की कारवा और ऋषि कपूर की मुल्क की बात करें तो दोनों ही फिल्मों की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पकड़ काफी कमजोर रही, हालांकि दूसरे दिन कलेक्शन में इरफान खान की कारवा ने बाजी मार ली। खबर के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म फन्ने खान ने शनिवार को 2.50 करोड़ रुपए की कमाई की। ओपनिंग डे पर फिल्म की कमाई 2.15 करोड़ रुपए रही थी।
इस तरह से ये फिल्म दो दिनों में महज 4.65 करोड़ रुपए तक की ही कमाई कर पाई। वहीं इरफान खान की कारवा ने पहले दिन 2.75 करोड़ और दूसरे दिन 2.81 करोड़ की कमाई की। इस तरह से दो दिन में फिल्म ने 5 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया।